Welcome to SS Convert School YouTube channel. Myself Ripulaman Singh. I will take your mathematics classes. Today we will start trigonometry. देखो students, trigonometry. ये trigonometry आपके पास ये 11th marks जो आपके हैं cover करती है. ये जो आपके 10th class में हैं कितने marks cover करती है बच्चों? 11th marks. ठीक है? 11th marks जो है आपके वो 3 exercise में क्या है? Divide. जो आपके पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 8 तो अपने बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं देखो द स्टूडेंट्स व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टूडेंट्स किसकी स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल ये ट्रायंगल एबीसी Triangle ABC is a right angle triangle if one angle of a triangle is 90 degree. It means, students, एक ऐसा triangle जिसका एक angle क्या हमारे पास 90 degree हो, तो वो हमारे पास क्या होगा? Right angle triangle. अब देखो right angle triangle में क्या होता है? सबसे जो longest side जो हमारे पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? Hypotenuse. मतलब इसमें जो सबसे longest side कौन सी है वो? AC है. तो AC हमारी क्या होगी? Hypotenuse. उसके बाद हमारे पास आता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होगा थीटा के अपोजिट जो साइड होगी देखो स्टूडेंट्स थीटा के जो अपोजिट साइड होगी ना वही हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग साइड हमारे पास रह जाएगी वो क्या रह जाएगी बेस ठीक है स्टूडेंट्स दोबारा देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नेम PQR राइट एंगल एट Q ये हमारे पास 90 डिग्री अगर मैं ये वाला एंगल क्या कर दूं मैं थीटा कर दूं और आपसे पूछो स्टूडेंट्स कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है तो आप क्या बोलोगे सर सर इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस है अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर हाइपोटेन्यूस क्या है तो आप इसके अंदर हाइपोटेन्यूस क्या बताओगे कि सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या हो जाएगी सर इसमें हाइपोटेन्यूस हो जाएगी चलो आपने बोला मैंने भी बोला ये लो हाइपोटेन्यूस ठीक है अगर मैं आपसे बात करता हूं अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है तो आप क्या बोलोगे सर थीटा के जो सामने वाली जो साइड है ना अपोजिट साइड वो हमारे पास क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर ठीक है अब क्या रहेगा हमारे पास बेस तो ये वाली जो साइड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी बेस एक बात ध्यान में रखना आप स्टूडेंट्स आप कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर ये ट्राइंगल देखा उन्होंने ये ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड यहाँ पर ये एंगल थीटा है और मैंने उनसे पूछा परपेंडिकुलर क्या है तो बिना सोचे समझे क्या कर देते हैं सर ये जो एक्स वाई साइड है ना वो परपेंडिकुलर है दिस इज रॉन्ग क्यों क्योंकि हमेशा क्या होता है ऑलवेज क्या होता है थीटा की जो सामने वाली साइड होती है ना वो क्या होती है परपेंडिकुलर तो ये जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो क्या होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूस तो रिमेनिंग साइड वो हमारे पास क्या बन गई बेस तो ये वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी बेस अब देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस इन तीनों में एक क्या होता है रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इट मींस सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कर दो वो किसके इक्वल होगा रिमेनिंग जो टू साइड है उनके स्क्वायर के सम के क्या होगा वो इक्वल होगा ठीक है आप कहोगे ये तो हमको पता था सर ठीक है पता है लेकिन हम क्या कर रहे हैं दोबारा से याद करें इसको रिवाइज करें बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें लेके चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे इसके ठीक है यहां पर देखो इसको रफ कर देता हूं इसको तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किसकी करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है ठीक है अब जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है तो ट्रिग्नोमेट्री में जब स्टडी करेंगे वो कितने रेशियोज की करेंगे 6 रेशियोज की कौन कौन से रेशियोज है हमारे पास साइन कॉस टैन कॉट sec and cosec sin cos tan cot sec and cosec 9th में आपने ये पढ़ा था ठीक है अब 9th में जो आपने पढ़ा था उसको एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाया था आपको आपने पढ़ा था कि sin का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है cosec पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने पढ़ा था कि सर sin का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है cosec तो चलो आपने बोला मैंने यहां लिख दिया sin theta is equal to 1 upon cosec theta अब आप बोलोगे सर हमने तो 9th में ये भी पढ़ा था कि कोसेक का भी तो रेसिप्रोकल साइन होता है तो मैं तो मना कर रहा हूं ये लो लिख दो इसको क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा ठीक है अब इसमें क्वेश्चन कैसे आया देखो
क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन टू, और आपसे बोला है कि कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड कोसेक थीटा। देन अब आप क्या, इस तरह हमको पता ही है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, रूट थ्री अपॉन टू का लिख देंगे टू अपॉन रूट थ्री, देखो थ्री अपॉन रूट टू है ना, इसका मन क्या कर दिया रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, आप बोलोगे सर ये भी तो हमको पता है कि कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है सेक होता है। हाँ ठीक है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, तो उसको भी लिख देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कोस थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा, और आप बोलोगे सर जब कोस का सेक होता है तो सेक का भी तो कोस होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं sec theta is equals to 1 upon cos theta, देखो one formula और second, उसके बाद देखो tan and cot, tan and cot, तो remaining जो बच गए वो आपस में क्या हो जाएंगे reciprocal, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan theta is equals to 1 upon cot theta, और cot theta क्या हो जाएगा students 1 upon tan theta। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट कोसेक थीटा, कोस का कितना हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का क्या हो जाएगा कोट थीटा। ये सब आप नाइन्थ में पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको नोट डाउन कर ले देन वीडियो को पॉज करो और इसको क्या कर लो नोट कर लो। ठीक है, देखो आगे ट्रिग्नोमेट्री में हमने कितनी बात की कि ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किसकी करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है वो कितने टाइप्स के होते हैं, सिक्स टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आपस में रिलेशन क्या होता है हमने वो स्टडी कर लिया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू देन फाइंड ऑल All trigonometric ratios, आपसे पूछ लिया गया कि sin theta की वैल्यू 1 upon 2 है, then find all trigonometric ratio. तो all trigonometric ratio कौन-कौन से रहेंगे हमारे पास? Cosec, tan, cosec, जितने भी है, उन सब की वैल्यूज हमें क्या करनी है? Find out करनी है। जब उन सब की वैल्यूज find out करनी है, तो आप क्या करोगे? कि सर आपने तो हमको सिर्फ इतना ही बताया है कि sin का जो reciprocal होता है, वो क्या होता है? Cosec theta. तो 1 upon 2 है, तो इसका reciprocal क्या हो जाएगा? 2 upon 1. लेकिन जो कोस की वैल्यू है, टेन की वैल्यू है, वो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके लिए भी मैंने नाइन्थ में आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, उस फॉर्मूले को भी क्या कर लेते हैं हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने, उसके लिए मैंने छोटा सा आपको क्या बताया था, एक कोड बताया था। वो कोड कौन सा था आपके पास? पढ़ले बेटा पढ़ले हार्ड हार्ड बुक, पढ़ले बेटा पढ़ले हार्ड हार्ड बुक। और देखो ये है क्या, पी पी से क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, P से क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, B से हमारे पास क्या है बेस, यहां पर फिर से P आ गया तो P का परपेंडिकुलर, H से क्या हमारे पास हाइपोटेनियस, और B से क्या है बेस। मतलब ये जो आपको वैल्यूज जो आपको गिवन है P B P H H D पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक्स, ये हमारे पास है क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसकी क्या गिवन है हमारे पास साइड्स गिवन है, क्या गिवन है साइड्स गिवन है। तो देखो इसको इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने क्या है लिख लेते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू ये जो फर्स्ट वैल्यू दिख रही है ना आपको स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू पी अपॉन एच, ये जो P upon H है मतलब perpendicular upon hypotenuse, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी sin theta की। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते आगे। नेक्स्ट क्या है B upon H, क्या है आपके पास B upon H, ये जो B upon H जो आपको वैल्यू दिख रही है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी cos theta की, तो कितनी आ गई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos theta equals to बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse। अगर अपने बात करते हैं tan theta की, तो फिर नेक्स्ट आगे चलो क्या रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर अपॉन में जो बेस है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी 10 फीट आ गई। हां जी सर, इतना तो हमको समझ में आया। अब आगे आगे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि sin थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, cosec थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cosec थीटा। तो लो कर लेते हैं, sin थीटा की वैल्यू है p / h, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h / p। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, h / p, यहां पर h / p। ठीक है, अब अपने बात करते हैं यहां पर cos थीटा। सर आपने cos थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको, गिवन है b / h बेस / हाइपोटेन्यूज, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं sec थीटा की। मैं पूछूंगा कैसे, तो आप क्या बोलोगे, सर आपने तो बताया था कि cos का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, sec थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर बेस / हाइपोटेन्यूज है, यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज / बेस। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हमारे पास tan, tan क्या है, परपेंडिकुलर / बेस, तो tan का रेसिप्रोकल करो क्या आ जाएगा हमारे पास, cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस / हाइपोटेन्यूज, बेस / परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा, बेस / परपेंडिकुलर। आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो और इसको क्या कर लो, राइट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके देखो स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर अपने क्या कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, क्वेश्चन वही है अपने पास, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड आउट करना है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 ही तो होते हैं, 6 में से एक का हमको दे दिया 3/5, तो इसको फाइंड आउट कर लो क्या करेंगे हम, sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अब बोलो सर sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 गिवन है, बट आपने अभी बताया हमको फॉर्मूले से, पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक, उसमें तो sin थीटा की वैल्यू सर परपेंडिकुलर / हाइपोटेन्यूज होती है ना, परपेंडिकुलर / हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या किया, इसके इक्वल में क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर / हाइपोटेन्यूज, क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर / हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5। तो जब बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ सर कर तो सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो यहां पे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर किया, यहां पर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या किया हमने 3 का स्क्वायर किया। बेस, बेस की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं सर ये तो फाइंड आउट कर लिया है, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं इसको, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर 9 इधर गया माइनस में, 25 माइनस 9 16, तो कितना आ गया 25 माइनस 9 16, 25 माइनस 9 16। अब 16 में क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब आप बोलोगे सर ये प्लस ले या माइनस ले, है ना, देखो हमेशा जो ट्राइंगल की जो आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज जो भी है वो किसी ट्राइंगल की साइड ही तो है, लेंथ ही तो ना, तो लेंथ तो माइनस में होती नहीं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बेस इज इक्वल टू 4, बेस इज इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब इसको यहां पर एक बार नोट कर लेते हैं हम, यहां पर देखो इधर हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 5, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, और बेस कितना है हमारे पास 4। ओके, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास। अब आप बोलोगे सर बाकी जो वैल्यू है वो तो बताऊंगा cos थीटा की, चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला रख लेते हैं यहां पे, देखो ये वाला, पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड को। ओके, तो यहां से देखो जो sin थीटा की वैल्यू है वो तो हमको गिवन है p / h, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये जो वैल्यू होती है p / h किसकी होती है स्टूडेंट्स, हां किसकी होती है, cos थीटा की। तो यहां पे कितना आएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू b / h, बेस / हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4, / में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 5, तो कितना आ गया हमारे पास 5। नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। ओके, नाउ tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू बताओ, tan थीटा सर tan थीटा ये वाला tan थीटा है ना, तो tan थीटा ये आ गया, तो परपेंडिकुलर / में बेस, तो हमने क्या किया परपेंडिकुलर / बेस, then tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3, बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा
4, ये माइनस किसकी वैल्यू आ गई tan थीटा की। अब तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया सर, कैसे sin जो थीटा है उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो cosec थीटा आता है, तो ये लो मैंने भी क्या कर दिया cosec थीटा। देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करना चाहूं तो रेसिप्रोकल 3/5 है ना, रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो इसका रेसिप्रोकल, तो 5 ऊपर 3 नीचे, तो क्या आ जाएगा 5/3, किसकी वैल्यू आ गई cosec थीटा की। उसके बाद आगे चलते हैं हम cos, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा, तो हमने क्या कर दिया sec थीटा इज इक्वल टू 4/5 है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे 4/5 को रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो उसको रेसिप्रोकल, तो यहां पर 4/5, यहां पर क्या हो जाएगा 5/4। सिमिलरली tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 4 थीटा, रेसिप्रोकल किया 3/4 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 4/3, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ओके रफ कर देते हैं इसको। देखो स्टूडेंट्स आपने क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल की स्टडी करते हैं, ठीक है, आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी आपके पास टेंथ में स्टडी करोगे आपके पास जो एंगल्स की जो बात होगी वो जो एंगल्स होंगे वो आपके पास कौन कौन से होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि tan 30 की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, जहां पर भी आपको ना समझ में आए वीडियो को पॉज करना, दोबारा देखना, ध्यान से समझ लो ये टेबल, अगर ये टेबल नहीं समझ में आई तो आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज छोड़ो, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है सारी साफ है, समझ में आ रही है बात, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले टेबल को क्या लिखते अपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ओके स्टूडेंट्स ये लो टेबल बना लेता हूं मैं इसकी, टेबल बना लेते हैं इसकी अपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम यहां पे देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स ये रफ करते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, टेबल बिल्कुल सिंपल टेबल है, कोई भी इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल, आपको क्या करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ओके स्टूडेंट्स इतना समझ में आया होगा, यहां पर क्या लिखेंगे साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक, ठीक है इतना समझ में आया होगा ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 है ना यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो 0 1 2 3 4, फोर तक काउंटिंग हमने क्या की, फोर तक हमने काउंटिंग ली थी, उसके बाद फोर पर हमारे पास क्या हो रहा है एंड हो रहा है, तो फोर से सबको क्या कर दो डिवाइड, ये लो फोर से हमने क्या कर दिया सबको डिवाइड करने के बाद सबका क्या ले लो स्क्वेयर रूट, ये सबका क्या आ गया स्क्वेयर। अब बाप बोलोगे सर ये हम कर क्यों रहे हैं, है ना, देखो स्टूडेंट्स हम जितने भी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिख रहे हैं ना किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, ओनली फॉर साइन थीटा, ओनली फॉर साइन थीटा। अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है, किसकी वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स साइन थीटा की, तो उस साइन थीटा से अकेले इस साइन थीटा से हम पूरी टेबल क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर हम साइन थीटा की वैल्यू घट भी तो सकते हैं, घट सकते हो है ना, मैंने क्या मना किया, बट निकालने का मेथड ये, तो यहां से देखो जब आप 0 में 4 का डिवाइड करोगे मतलब 0 में अगर आप किसी का भी डिवाइड करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा 0 ही तो आएगा, तो 0 में 4 का डिवाइड, देखो यहां पे 0 में 4 का क्या कर दिया डिवाइड, तो कितना आ गया आपके पास 0 और 0 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 0, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1,
अपॉन ये फोर, फोर का स्क्वायर रूट कितना हुआ टू, फोर का स्क्वायर रूट कितना हुआ टू। दोबारा देख लो इसको, वन अपॉन फोर को यहाँ पर देखो, वन अपॉन फोर ये जो रूट है, वन का भी स्क्वायर रूट और फोर का भी स्क्वायर रूट है। जब वन का मैंने स्क्वायर रूट किया ये तो कितना आ गया वन, फोर का स्क्वायर रूट किया तो कितना आ गया टू, तो कितना आ गया वन अपॉन टू, कितना आ गया वन अपॉन टू। नेक्स्ट देखो टू और फोर, ध्यान से देखो टू एंड फोर, क्या ये दोनों किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं क्या? हाँ सर हो रहे हैं, टू के टेबल से हो रहे हैं। ये दो टू बन जा टू, टू टू जा फोर, क्या बन गया ये वन अपॉन टू और उसका होल रूट। देखो इसको यहां लिख देता हूं मैं, वन अपॉन टू और उसका होल रूट। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो वन का स्क्वायर रूट तो कितना आएगा वन, टू का तो सर स्क्वायर रूट होता ही नहीं है तो वैसा का वैसा रहेगा, तो क्या रहेगा रूट का टू। तो यहां पर क्या लिखेंगे वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू। देखो स्टूडेंट्स जीरो अपॉन फोर जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर का स्क्वायर कितना आ गया वन अपॉन टू, टू अपॉन फोर कैंसिल किया वन का स्क्वायर रूट वन, फोर का स्क्वायर रूट रूट टू, सॉरी टू का स्क्वायर रूट रूट टू। ठीक है आगे देखो थ्री, थ्री यहाँ पर है आपके पास, थ्री का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है? सर थ्री का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है ना, थ्री का तो कितना होगा रूट थ्री होगा, ये लो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया रूट थ्री। फोर का स्क्वायर रूट अपॉन में देखो, इसके अपॉन में देखो फोर का स्क्वायर रूट कितना होगा, फोर का स्क्वायर रूट टू, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया टू। देखो इसको यहाँ पर समझते हैं, इसको देखो क्या किया हुआ है रूट थ्री अपॉन फोर, देन रूट थ्री का स्क्वायर रूट रूट थ्री और फोर का स्क्वायर रूट कितना आ गया टू, कितना आया रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है आगे देखो यहाँ पे सिंपल, फोर से फोर क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बच गया वन, वन का स्क्वायर रूट कितना आ गया वन। इतनी बात समझ में आई होगी है ना, दोबारा देखो जीरो वन टू थ्री फोर पूरी सबको मैंने क्या किया फोर से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया और क्या कर दिया मैंने इनका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है इतनी बात समझ में आई, उसके बाद हमने क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली साइन थीटा की। देखो स्टूडेंट्स आप साइन थीटा की वैल्यू ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर आप इसको लर्न कर सकते हो, लर्न कैसे करोगे सर चार पांच तो वैल्यू है ना, कौन कौन सी है जीरो वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट रूट टू रूट थ्री अपॉइंट टू एंड वन, मेरे साथ बोलो जीरो वन अपॉइंट टू वन अपॉन रूट टू रूट थ्री अपॉन टू एंड वन। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको जीरो वन अपॉन टू वन अपॉन रूट टू रूट थ्री अपॉन टू एंड वन। इतनी बात समझ में आई होगी है ना, उसके बाद देखो कोस थीटा, क्या आपके पास क्या आपके पास कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है यहां से रिवर्स लिखना स्टार्ट करो, रेसिप्रोकल नहीं बोला मैंने क्या बोला है रिवर्स लिखना स्टार्ट करो, रिवर्स मतलब ये वाला जो बन है वो क्या आएगा यहां, क्या आ गया बन ये यहां रूट थ्री अपॉन टू यहां, ये कितना आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू यहां, ये वन अपॉन रूट टू यहां, ये क्या आ गया वन अपॉन रूट टू यहां, ये वन अपॉन टू कहां चला गया यहां, वन अपॉन टू यहां और ये जीरो कहां चला गया यहां। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर ये टेबल नहीं समझ आई कुछ समझ में नहीं आएगा आगे ट्रिग्नोमेट्री में, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए दोबारा देखो इसको, साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या कर ली यहाँ से फाइंड आउट कर ली जीरो वन टू थ्री फोर सबके डिवाइड में फोर और सबका रूट, साइन थीटा की वैल्यू आ गई क्या वैल्यू आ गई जीरो वन अपॉन टू वन अपॉन रूट टू रूट थ्री अपॉन टू एंड वन। जब कोस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ से ये बन हमने क्या किया यहाँ पर रूट कर दिया रूट थ्री अपॉन टू, यहाँ से क्या बन कर दिया यहाँ वन अपॉन रूट टू वैसा का वैसा, वन अपॉन टू यहाँ पर और जीरो यहाँ पर। ठीक है अब हम कहोगे सर टेन थीटा की वैल्यू और निकाल लो, बाकी वैल्यू तो हमको आती है आपने बताया था ना सर कि इनका रेसिप्रोकल करते हैं, हाँ ठीक है मतलब सिर्फ एक टेन थीटा रह गया, क्या रह गया सिर्फ एक टेन थीटा। तो एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो नाइन्थ में, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, पढ़ा हुआ ना आपने कौन सा फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अभी भी याद रखो टेंथ में भी काम आने वाले सारे फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ध्यान से देखो अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है मतलब तो क्या करना पड़ेगा आपको sin में cos का क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो tan आएगा, चलो जीरो में वन का डिवाइड किया, जीरो में वन का डिवाइड किया, मैंने पहले बताया था जीरो में किसी भी डिजिट का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, देखो जीरो अपॉन वन क्या करेंगे जीरो अपॉन वन,
कितना आ जाएगा जीरो। आगे देखो 1 अपॉन 2 में डिवाइड किया रूट 3 अपॉन 2 का, ध्यान से देखो 1 अपॉन 2 में डिवाइड किया किसका रूट 3 अपॉन 2 का। देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन में क्या है रूट 3, मतलब यहां पर क्या आएगा 1 अपॉन रूट। ओके स्टूडेंट्स आगे देखो 1 अपॉन रूट 2 में डिवाइड करना है किसका 1 अपॉन रूट 2 का। सिंपल सी बात बताओ 4 में 4 में डिवाइड करेंगे 1, 5 में 5 पे डिवाइड करेंगे 1, रूट 5 में रूट 5 पे डिवाइड करेंगे तो भी 1, तो 1 अपॉन रूट 2 में 1 अपॉन रूट 2 पर डिवाइड किया तो भी कितना आएगा 1, तो यहां पर कितना आ गया 1। ठीक है नेक्स्ट रूट 3 अपॉन 2 में डिवाइड करना है किसका 1 अपॉन 2 का। देखो यहां पर कर देते हैं आपके पास रूट 3 अपॉन 2 में डिवाइड करना है किसका 1 अपॉन 2 का, तो देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या हमारे पास रूट 3 अपॉन में क्या है 1, ऊपर तो क्या है रूट 3 अपॉन में 1, मतलब किसी भी डिजिट के अपॉन में 1 हो उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है ना, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया रूट 3। अब देखो यहां पर 1 अपॉन 0, देखो दो बातें, 0 में किसी भी डिजिट का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, बट किसी भी डिजिट के अंदर 0 का जब डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा इनफिनिटी, क्या आएगा आपके पास इनफिनिटी। इतनी बात समझ में आगे देखो अब तो सर हम अपने आप ही कर सकते हैं है ना, लेकिन फिर भी आप एक बार हमें बता दो। तो देखो देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हुआ साइन थीटा, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं रेसिप्रोकल की, तो रेसिप्रोकल देखो 0 का रेसिप्रोकल, अब सर 0 का रेसिप्रोकल है ना कोई बात नहीं, देखो 0 कैसे आता है 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 तभी तो क्या है आपके पास 0 आया ना। अब इसका जो रेसिप्रोकल करना होगा तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन 0, क्या लिखोगे रेसिप्रोकल जब इसका किया हमने तो कितना आ गया 1 अपॉन 0। अब इसको आप क्या लिखोगे बताओ 1 अपॉन 0, 1 में 0 का डिवाइड किया तो कितना आ गया इनफिनिटी, कितना आ गया इनफिनिटी, यहां पर मैंने क्या लिख दिया इनफिनिटी। इतनी बात समझ में। नेक्स्ट देखो 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 राइट कर दो यहां पर या फिर ओनली 2 एक ही बात ठीक है। 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया रूट 2 अपॉन 1, रूट 2 अपॉन 1 देखो जो अपॉन का जो 1 है वो मैं लिख नहीं रहा एक ही बात है यहां पर, देखो 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल किया तो आएगा कितना 2 अपॉन 1 आएगा एक ही बात ठीक है, 2 राइट कर दो या 2 अपॉन 1 राइट कर दो। 1 अपॉन रूट 2 इसका रेसिप्रोकल किया रूट 2 अप ऊपर चला गया और जो 1 है वो क्या आ गया अपॉन में आ गया, 1 में आप राइट करो या ना करो राइट करो, देखो सिंपल सी बात 5 है ये तो 5 लिखो या 5 अपॉन 1 लिखो एक ही बात है ना वैसे। उसके बाद देखो रूट 3 अपॉन 2 रेसिप्रोकल किया कितना आ गया 2 अपॉन रूट 3, कितना आ गया 2 अपॉन रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही तो होगा ये लो यहां पर क्या ऐड कर दिया मैंने 1, ये वाली बात भी समझ में आ गई हमें सर। आगे सर कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा, चलो 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 1, रूट 3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 2 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा रूट 2 अपॉन 1 आएगा सर हमने रूट 2 राइट कर दिया ओके। 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल सर कितना आएगा 2 अपॉन 1 आएगा हमने क्या राइट कर दिया 2 राइट कर दिया, 2 अपॉन 1 है अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है ठीक है। 0 0 का रेसिप्रोकल अभी हमने किया 0 था, 0 का वैसे ही लिखते ना इसको हम लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं इसको हम 0, तो 0 का हमने रेसिप्रोकल किया अभी कितना आया था इनफिनिटी, तो मैंने यहां पर क्या राइट कर दिया इनफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो 10, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इनफिनिटी, 1 अपॉन रूट 2 रूट 1 अपॉन रूट 3 का जो रेसिप्रोकल है वो कितना हो जाएगा रूट 3, 1 का जो रेसिप्रोकल है कितना हुआ 1। अभी देखो यहां पर रूट 3 है इसके अपॉन में क्या कुछ भी नहीं है ना, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है 1, मतलब रूट 3 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा ये
वन अपॉन रूट थ्री, और इनफिनिटी का जब हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा ये जीरो। कितना सिंपल था ये, है ना। दोबारा देख लो इसको, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। आपको सिर्फ क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू या तो आप ऐसे फाइंड आउट करो, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर करके, या फिर मैं कहता हूँ इसको लर्निंग कर लो ना। और फाइव की तो वैल्यूज है कौन कौन सी, जीरो वन अपॉन टू, वन अपॉन रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू एंड वन। मेरे साथ साथ दोबारा रिपीट करो, जीरो वन अपॉन टू, वन अपॉन रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू एंड वन। अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है, यहां से रिवर्स लिखना स्टार्ट करो कोस थीटा। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, यहां से रेसिप्रोकल लिखा, तो यहां से वन है ना, वन को लिखना स्टार्ट किया, वन ऐसे लिख दिया आपने कोस की वैल्यू, साइन अपॉन कोस किया टेन, यहां तक तो सेम था, ठीक है। आप जीरो का रेसिप्रोकल कर दो तो इन्फिनिटी, या तो ऐसे, या फिर यहां से लिखना स्टार्ट कर दो इन्फिनिटी रूट थ्री वन, वन अपॉन रूट थ्री और जीरो, सिंपल है ना। और sec थीटा की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट ही करनी पड़ेगी, यहां से cos का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा sec, और sin का जो रेसिप्रोकल है cosec। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ने cos थीटा की जो वैल्यू है, देखो सर बाकी तो हमें समझ में आया, बाकी तो फॉर्मूलास थे, sin से हमने cos किया रेसिप्रोकल होता है, cos से हमने रेसिप्रोकल किया sec होता है, tan का जो हमने रेसिप्रोकल किया cot होता है, tan की वैल्यू सर आपने फॉर्मूला से बताई sin थीटा कम cos थीटा, ठीक है, sin भी आपने ऐसे निकाल के बताया हमको, ठीक है। पर सर आपने cos थीटा की वैल्यू ऐसे सिर्फ लिखने के लिए बोला, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो देखो आप जब 7th एक्सरसाइज रीड करोगे उसमें फॉर्मूला होगा आपके पास, sin 90 थीटा cos थीटा, ये जो वैल्यूज आई है सारी की सारी, ये वाली cos थीटा की सारी सारी कहां से आई है, उसी से आई है, sin 90 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है cos थीटा की, वो जब 7th एक्सरसाइज आएगी आपके पास उसमें रीड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देन Now you can pause the video and write down the table in your notebook. Okay? Okay. देखो रख करते हैं इसको। देखो students, आपको करना क्या होगा? जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो एग्जाम में आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स की है? 11 मार्क्स की है। कहीं ना कहीं इस टेबल का क्या होगा? यूज होगा। तो आपको एक ही काम करना है, जैसे एग्जाम में जाओगे आपकी जो एग्जाम शीट होगी उसका जो लास्ट आपका पेज होगा वहां पर जाकर सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल बनानी है ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर लिख देना है रफ वर्क, कहोगे रफ वर्क, उसके ऊपर राइट कर देना रफ वर्क, और जाते ही सबसे पहले आप क्या बना लेना है एक टेबल, क्या बना लोगे एक टेबल, जिससे आपका काम क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर हमको तो वैल्यूज ही लर्न है, हाँ वैल्यूज लर्न है, फिर भी अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि हाँ यही होना चाहिए तो कोई बात नहीं टेबल बना लेना, ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रहा, जिसको लगता है कि हाँ हमें टेबल बना लेनी चाहिए वो जाके वहां पर क्या कर लेना है एक टेबल बना लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो टेबल है इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको दिया हुआ है 2 sin 45 cos 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आप लोग, टू आंसर जब लिखेंगे इसका तो टू का तो क्या रहेगा, टू आ जाएगा, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू टेबल में देखो कितनी आएगी, वन अपॉन रूट टू, कोस 45, कोस 45 की वैल्यू टेबल में देखो कितनी आएगी, वन अपॉन रूट टू, देन टू इंटू, देखो रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया टू, उसके बाद 2 से 2 क्या कर दिया हमने कैंसिल कर दिया कितना आ गया 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपके पास 2 सिंपल ले लेते हैं पहले, 2 sin 60 प्लस 3 cos 30, 2 sin 60 प्लस 3 cos 30, इसमें देखो क्या करेंगे हम सर, 2 तो वैसा का वैसा, sin 60 की वैल्यू अभी आपने बताई थी सर टेबल से, हमने देख चुके हैं अभी तक, तो कितनी वैल्यू आएगी रूट थ्री अपॉन टू प्लस थ्री इंटू cos 30, cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपको पता ही है सर, cos 30 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है sin 60 के इक्वल, या फिर हम टेबल से देख के बता सकते हैं सर कि cos 30 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू, हम क्या करेंगे इसको देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री अपॉन टू, एलसीएम लिया सोल्व किया, टू का रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया टू रूट थ्री, और ये वैसा का वैसा थ्री रूट थ्री अपॉन में टू, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या है
रूट थ्री हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, टू प्लस थ्री अपॉन टू, या फिर यहाँ पर सीधा देख लो यहाँ पर कितना आ रहा है, टू रूट थ्री और थ्री रूट थ्री, कितने रूट थ्री, देखो मैं आपसे बात करूं टू मार्कर प्लस थ्री मार्कर, कितने मार्कर, फाइव मार्कर ना, वैसे बात करता हूँ टू रूट थ्री, यहाँ पर मेरे पास कितने हैं टू रूट थ्री और यहाँ पर कितने हैं थ्री रूट थ्री, टोटल कितने हो गए फाइव रूट थ्री, कितने हो जाएंगे हमारे पास फाइव रूट थ्री अपॉन में टू। ऐसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप क्या कर सकते हो उनको सोल्व कर सकते हो। देखो चलो उसको एक बार वीडियो को पॉज करके इसको क्या कर लो, इसको नोट डाउन कर लो इसको एक बार, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके देखो नेक्स्ट डिवाइड भी देख लेते हैं अपने पास, जैसे यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ये लो स्क्वायर कर दिया मैंने, यहां पर क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, अब ठीक है। अब आप कहोगे सर sin स्क्वायर 60, आपने तो हमें सिर्फ sin 60 की वैल्यू बताई थी, यहां पर तो sin स्क्वायर 60 है ना, कोई बात नहीं, यहां पर देखो क्या करेंगे हम, sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, मैंने यहां पर क्या लिखा √3/2 और उसका क्या कर दिया मैंने sin 60 का स्क्वायर, तो वो क्या लिखा हुआ sin 60 का स्क्वायर है ना, जब sin 60 का स्क्वायर है सबसे पहले हमने टेबल से वैल्यू देखी sin 60 की कितनी है, तो sin 60 की जो वैल्यू है कितनी है √3/2, sin का स्क्वायर है यहां पर √3/2 का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो cos स्क्वायर 30, क्या गिवन है cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर देखो cos का जो स्क्वायर है यहां पर मैंने क्या कर दिया √3/2 का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू टेबल से देखते हैं कितनी आती है 1/√3, कितनी आती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan का स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। tan 60, tan 60 की वैल्यू हम टेबल देखते हैं कितनी आती है √3, कितनी आएगी हमारे पास √3, √3 का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 60 का स्क्वायर किया यहां पर √3 क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, √3 का स्क्वायर किया कितना आया 3, 2 का स्क्वायर किया कितना आया 4, क्यों देखो जो स्क्वायर है ना वो किसका है √3 का भी और 2 का भी है, √3 का किया तो 3, 2 का किया तो 4। नेक्स्ट देखो √3 का स्क्वायर सेम √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, अपॉन में देखते हैं इसके 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, उसके बाद देखो √3 का स्क्वायर कितना आएगा, ऊपर वाले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद डिवाइड वाले, ठीक है। देखो 3/4 दोनों को सम करना है, देखो 3/4 कितना हो जाएगा 2 × 3/4, यहां पर सिंपल या फिर एलसीएम ले कर सकते हो इसको, देखो यहां पर एलसीएम ले कर सकते हो इसको, 4 एलसीएम आ गया 3 + 3, उसके बाद 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, कितना आ गया 10/3, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, 10/3, नोट करो इसको, नोट करो इसको, देखो यहां पे 3 × 3 कितना आ गया हमारे पास 6/4, यहां पर नीचे नोट डाउन कर देता हूं मैं, 3 + 3 = 6 अपॉन में क्या आपके पास 4, यहां पर कितना आपके पास 10/3, देखो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इसकी टेबल से कैंसिल हो गए 2 की टेबल से, कितना आ जाएगा 3/2 × 10 × 3, 3 का चला गया ऊपर चला गया, देखो यहां पे कुछ कैंसिल हो, 3 × 3 = 9, 10 × 2 = 20, तो कितना आंसर आ जाएगा 9/20, कितना आंसर आ जाएगा 9/20, नोट डाउन करो इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक दो एग्जांपल हम लेते हैं फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, इसके सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये लो 4 sin³ 90 + 5 sec 30
प्लस 3 कोसेक 45। ओके स्टूडेंट्स, इधर ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं अपने स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। आ गया 4 sin क्यूब 90। अब इसका आंसर करते हैं, इसके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिवन, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो 4 वैसा का वैसा, sin क्यूब, sin क्यूब 90, तो पहले sin 90 की वैल्यू बताओ क्या होती है, sin 90 की वैल्यू सर कितनी होती है, 1 होती है, ये लो 1, और 1 का क्यूब कितना हो गया, ये 1 का sin 90 है क्यूब, तो 1 का भी क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, देन 5 इनटू sec 30। अब सर sec 30, या तो आप sec 30 की वैल्यू टेबल से देख सकते हो, ठीक है, अगर आप कहते हो सर बार-बार टेबल में देखेंगे, बस मैंने बता रखा ना कि टेबल पीछे आपके नोटबुक में देख लेना, अगर फिर भी आपको वैल्यू चाहिए sec 30 की, तो sec 30 किसके रेसिप्रोकल होता है, cos 30 का, किसका होता है, cos 30 का, और आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 / 4। देखो cos 30 की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी होती है, √3 / 4। आपको किसकी चाहिए, sec 30 की, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मेरे पास sec 30 की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 / √3, कितना आ गया हमारे पास, 2 / √3। उसके बाद देखो 3 * cosec 45, आपको तो हमें तो क्या पता है, हमें सिर्फ क्या पता है, sin 45 की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, sin 45 की, बट हमें चाहिए किसकी, cosec 45 की। हाँ तो सर हमें पता है ना sin का रेसिप्रोकल ही होता है cosec, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो cosec 45 की वैल्यू क्या होगी, इसका क्या बताएंगे, रेसिप्रोकल, इसका क्या बताएंगे हम, रेसिप्रोकल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, √2, तो √2 है, तो cosec 45 का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, तो जो √2 है उसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको आपको सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, 4 * 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पर 1 का क्यूब 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 4, 5 * 2 = 10, 10 / √3 प्लस 3 और 2 का जो हमारे पास जो स्क्वायर है, √2 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 2, तो 3 * 2, देन 4 + 10 + 3 * 2 = सॉरी 10 / √3, 3 * 2 = 6, 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 10, 6 और 4 10, 10 / √3, सॉल्व करेंगे √3 का मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से किया, तो कितना आ गया, 10 √3 + 10 / √3, आगे क्या आ जाएगा, ये 10, 10 कॉमन आ गया इन दोनों में से, यहां पर क्या रहेगा हमारे पास, √3, यहां पर क्या रहेगा, 1/√3। अगर आप और भी आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर नीचे √3 का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके इस √3 को क्या कर सकते हो, आप हटा सकते हो, रैशनलाइज करके, ठीक है, बाकी याद तक लिखो भी तो आपको भी गलत नहीं होगा, ठीक है, ये क्या है हमारे पास आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लो इसे। ओके देखो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड्स, दैट्स इट फॉर नाउ। अब जितना भी हम आगे इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो नेक्स्ट आपकी जो भी वीडियो होगी उसके अंदर क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज में क्या कर लेंगे, हम स्टडी कर लेंगे। टिल देन स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।